हेलो दोस्तों, हर हर महादेव एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के ब्लॉग में दोस्तों हम लोग नीलकंठ महादेव जा रहे हैं, जो कि सावन का महीना है और आज सोमवार का दिन है। तो हम चार पांच दोस्त आज नीलकंठ महादेव जाएंगे, महादेव से मिलने जाएंगे, उनके दर्शन करने जाएंगे। हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकले थे और अभी हम हर की पौड़ी पर आ चुके हैं। तो अभी जो हमारे साथ के जो लड़के हैं वो जल लेने गए हैं। यहाँ से हम लोग हर की पौड़ी से जल ले जाएंगे गंगा जल, और फिर वहाँ पे जो शिवलिंग है उस पर जल अभिषेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। हरिद्वार से नीलकंठ लगभग 60-65 किलोमीटर के आसपास होगा, तो हम लोग नीलकंठ जाएंगे और फिर वहाँ से जो है दर्शन करके जल अभिषेक करके फिर वापस घर आएंगे। तो इस पूरे ब्लॉग में आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और हम लोग धामों पे, मंदिरों पे, हम लोग अपने तीर्थ स्थलों पे जाते रहते हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं उन जगहों को क्या प्रोसेस रहता है, जाने का क्या खर्चा आता है, तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी गंगा जल हमारा आ चुका है, 5 लोग 5 कैन, और अभी हमसे ये पूरा गंगा जल जो है ये नीलकंठ महादेव हम लोग लेके जाएंगे और नीलकंठ महादेव में से चढ़ाएंगे। चलिए सीधे महादेव के पास चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में है और हम लोगों ने चिल्ला वाला रास्ता चूज किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन, जिन्हें की आप कितनी खूबसूरत लोकेशन है। अगर आप लोग नीलकंठ या हरिद्वार से ऋषिकेश की साइड जा रहे हो तो आप चिल्ला वाला रास्ता आएगा। आई वुड लव टू रिकमेंड यू। और ये देखिए कितनी शानदार ये लोकेशन है, यहाँ पर मस्त रील वगैरह बना सकते हैं, फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। ये हमारी पूरी पलटन जो कि मैंने आपको अभी तक ब्लॉग में नहीं दिखाई थी, गंगा जल लेने गई थी। ये देखिए पूरे 5 जन है। गाइज अभी हम लोग चिल्ला से जो है नीलकंठ का जो रास्ता अलग होता है वहाँ पे आ चुके हैं। ये लोकेशन देखिए आप, इतनी शानदार ये लोकेशन है और आप खुद देखिए, इसके बारे में हमें कमेंट जरूर बताना। और ये जो रास्ता है दोस्तों नीलकंठ तक, आपको दिख रही होगी चौड़ाई जो इसकी है, ये इतनी ही रहेगी। तो आप लोग गाड़ी स्लो चलाइएगा और बैंड पे मोड़ पर आराम से चलिएगा। बाकी आप इस लोकेशन को देखिए कितनी शानदार है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये जा रहा है नीलकंठ पैदल मार्ग, जो कि लगभग 15 किलोमीटर का ट्रैक है। और लोग बाग देखिए, बहुत सारे लोग देखिए पैदल जा रहे हैं। और अगर आप लोग भी पैदल यात्रा करना चाहते हो, ये ऋषिकेश नीचे ऋषिकेश का रास्ता है, यहाँ से लोग बाग आ रहे हैं। दोस्तों ये जो सारे लोग हैं जो भक्त हैं, ये पैदल जा रहे हैं यहाँ से ऊपर नीलकंठ, जो कि लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गाड़ी से, क्योंकि हम लोग पैदल जो कांवड़ जल है वो हरिद्वार में लेके थे, अभी यहाँ हम लोग गाड़ी से कांवड़ जल लेके जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग गरुड़ चट्टी में हैं और ये वही रास्ता है जहाँ पे हम लोग तो हरिद्वार से चिल्ला वाले रास्ते आए। और यहाँ पे अगर आप ऋषिकेश से आएंगे तो यहाँ पे आपको ये रास्ता मिल जाएगा, जो कि नीलकंठ महादेव को जाता है। ये है दोस्तों ऋषिकेश का रास्ता, जो ऋषिकेश से नीलकंठ वाले रास्ते में मिलता है। हम लोग हरिद्वार से आए चिल्ला होते हुए, तो हम लोग पीछे से आ रहे हैं, और नहीं तो आप लोग यहाँ से आएंगे और फिर ये रास्ता जाएगा नीलकंठ। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पे सर किस चीज का शुल्क है भैया? ये भैया ब्लॉग में बता दो ना किस चीज का शुल्क है ये? पर्ची है। ये देखो दोस्तों कुछ नहीं बताया किस चीज का है, ये पर्ची भी मिल गई अभी, इसमें लिखा होगा शायद वो हो गया था ब्लैक। अगर हम पर्ची ना मांगता ना, इसने दे दी जिला पंचायत वो ब्लैक। अब यहाँ पे देखना कैंप कितने मिलेंगे भाई। अबे यहाँ से वो आगे पटना ऑर्डर खोले में गया हूँ। तो गाइज हम लोगों ने मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे गाड़ी पार्क की, और उसके बाद गाड़ी आना अलाउड नहीं है, आगे भीड़ हो जाती है। और अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर आगे मंदिर है, काफ़ी सारे लोग हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों सावन का ही महीना है और आज भी सोमवार का दिन भी है, तो इसलिए भीड़ अच्छी खासी है। 1.5 किलोमीटर हमें पैदल चलेंगे, फिर मंदिर में भी अच्छी खासी भीड़ होगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग मंदिर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे। मंदिर से पहले यहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे कि आप लोग अपने लिए सामान या जाके कुछ मिसाले वगैरह ले सकते हैं। हर माल 5 रुपये 10 रुपये वाली शॉप भी है यहाँ पे, ये मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले होगी। अभी हम लोग मंदिर के रास्ते में है और पीछे हम लोग अपने चप्पल उतारे हैं और वहीं से हमने प्रसाद लिया है। अगर आप प्रसाद लेंगे तो दुकानदार आपको चप्पलों को सुरक्षा दे देगा, और प्रसाद का जो मूल्य है वो 100 रुपये से शुरू होकर 350-400 रुपये थाली जा रही है। और आप रास्ते में ले सकते हैं मंदिर से पहले ही लगभग 1.5-2 किलोमीटर जहाँ हमने गाड़ी पार की, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे तो रेट थोड़ा महंगे रहते हैं मंदिर के पास में। फिलहाल अभी हम लोग मंदिर के रास्ते में है और अब देखने वाली बात यह है कि भीड़ कितनी होगी यहाँ। पॉल भाई
बहुत भीड़ होती है। पहली बार आ रहे हो क्या नीलकंठ? नहीं मैं आया था लेकिन काफी टाइम बाद आ रहा हूँ, कम से कम 5-6 साल बाद आ रहा हूँ। मैं भी लगभग तीन चार साल पहले आया हूँ और ये मेरी दूसरी यात्रा है। और दोस्तों सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा चल रही है और जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन भी हम लोग कांवड़ पैदल कांवड़ जल लेके गए थे एनपी 40 से लेकर अपने दक्ष मंदिर तक, और वो पैदल कांवड़ यात्रा थी। और आज हम लोग फिर दोबारा से गंगा जल कांवड़ जल लेके नीलकंठ पहुँचे हैं। इसमें हम लोग गाड़ी में आए थे, हम डाक कांवड़ कह सकते हैं। अभी हम लोग प्रवेश मार्ग पर पहुँच चुके हैं। कुछ इस प्रकार से रास्ता मंदिर जाने का ये आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों लाइन बहुत लंबी है, लगभग हमें आधा घंटा हो चुका है। हम लोग मुश्किल से 20 मीटर आगे आए होंगे अभी तक। दोस्तों हम लोग लगभग 1.5 घंटे से लाइन में है और अभी भी ये देखिए लाइन लंबी है। अभी मंदिर की सफाई हो रही है इसलिए आधा घंटे से तो लाइन बिल्कुल रुकी हुई है। हमारे साथ का सौरभ भाई देखिए थकार के बेचारे लाइन से बाहर जाके अभी रेस्ट अंदर नहीं लेंगे। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ देखिए मेन मंदिर, यहाँ से हम लोग बाहर आ चुके हैं और सिर्फ इतना ही जल हम लोग चढ़ा पाए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो लोग जल्दी जल्दी भगा रहे थे, जाओ 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 जाओ, इतना ही जल चढ़ाने का समय मिला। बाकी जल हम यहाँ आसपास कहीं चढ़ाएंगे, कोई शिवलिंग होगा तो गल लेके जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो फोटोग्राफ अलाउड है, बाकी अंदर तो कुछ भी अलाउड नहीं है। ये देखिए दोस्तों मेन मंदिर, यहाँ से हम लोग बाहर आए हैं और अब हम लोग सिद्ध समाधि स्थल जाएंगे। यहाँ पे अंदर आप लोग दर्शन करेगा और उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। ये पूरा परिसर है मंदिर का, देखिए आप चारों तरफ। गाइस फाइनली देखिए इतना जल हमने चढ़ाया है, थोड़ा सा अंदर मेन मंदिर में, उसके बाद थोड़ा समाधि स्थल पे। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद हम लोग बाहर आए हैं और अंदर जो समाधि स्थल थी वहाँ पे कलावा भी लगाया जा रहा था और हम लोगों ने भी कलावा लगाया है। और दोस्तों अभी हम लोग मंदिर से घर के लिए निकल चुके हैं और ये देखिए ये कारण है हम लोग इसमें जल्दी निकले। अभी देखिए जो लोग ये अब आ रहे होंगे तो ये जान लगातार फेस करना पड़ रहा होगा। दूसरी बात अभी लाइन और लंबी हो चुकी होगी मंदिर में, इसलिए अगर आप भी आ रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी आइए।